सब्सक्राइब करें हमारा चैनल स्टडी टेस्ट टुडे और लेटेस्ट वीडियो के लिए इस बेल आइकन को दबाएं। हेलो फ्रेंड्स, हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी टेस्ट टुडे में आपका स्वागत है। और आज पढ़ेंगे हम लोग द्रव्य मैटर। देखिए, हमारा केमिस्ट्री का क्लास चल रहा है। जो फ्रेंड्स नए हैं, प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। और हमारा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें। किसी भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम हो तो कमेंट में आप पूछ सकते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, आज हम लोग समझेंगे द्रव्य को, मैटर को। तो इसको अच्छी तरह से समझेंगे और आप समझने का प्रयास ज़रूर कीजिएगा। एक बार वीडियो को अंत तक देखेंगे तो आपको अच्छी तरह से पूरा समझ में आ जाएगा। तो देखिए, द्रव्य होता क्या है? तो द्रव्य हमारे ब्रह्मांड की वो हर एक चीज़ जो कुछ न कुछ स्थान घेरती है और जिसमें द्रव्यमान होता है, उसे हम द्रव्य कहते हैं। तो देखिए, द्रव्य का एग्जाम्पल देख लीजिए, जैसे पानी हो गया, हवा, लकड़ी, वायु, दूध, पृथ्वी का आयन मंडल इत्यादि सब द्रव्य के एग्जाम्पल है। देखिए, द्रव्य के कुछ महत्वपूर्ण भाग भी होते हैं, तो सबको आप अच्छे से समझते चलिए। तो देखिए, द्रव्य के मुख्यतः तीन भौतिक अवस्थाएं होते हैं। जो पहला होता है फ्रेंड्स, वो ठोस सॉलिड, और दूसरा जो होता है द्रव्य लिक्विड, और तीसरा गैस होता है। और इसके अलावा भी फ्रेंड्स होते हैं, तो उसको हम लास्ट में बताएंगे और अच्छे तरीके से बताएंगे ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। तो हम लोग समझेंगे ठोस को, तो ठोस को अच्छे से समझेंगे। तो ठोसों में जो होता है, ठोसों का जो यहाँ पे कहा रहेगा फ्रेंड, ठोसों का आयतन व आकार दोनों निश्चित होता है। इसका एग्जाम्पल देख लीजिए फ्रेंड्स, लकड़ी, पत्थर, कांच, लोहा इत्यादि सब ठोस के एग्जाम्पल हैं। अब हम लोग समझेंगे फ्रेंड्स द्रव्य को। तो द्रव्य देखिए, द्रव्य का जो आयतन होता है और आकार, तो देखिए द्रव्य का जो आयतन होता है वो निश्चित होता है और आकार अनिश्चित होता है। द्रव्य का आयतन निश्चित होता है और आकार अनिश्चित होता है। एग्जाम्पल देख लीजिए फ्रेंड्स, पानी हो गया, तेल हो गया, पारा हो गया, चाय हो गया, और इत्यादि भी द्रव्य के एग्जाम्पल हैं। और देखिए फ्रेंड्स, अब हम लोग समझेंगे गैस को। तो देखिए, जो गैसों का आकार होता है और आयतन, इसमें दोनों अनिश्चित होता है। गैस का जो आकार होता है और आयतन दोनों अनिश्चित होता है। और इसका एग्जाम्पल फ्रेंड्स देख लीजिए, जैसे हवा हो गया, भाप हो गया, धुआं हो गया इत्यादि सब गैस के एग्जाम्पल हैं। हवा, भाप, धुआं इत्यादि भी गैस के एग्जाम्पल हैं फ्रेंड्स। तो देखिए फ्रेंड्स, इसके अलावा मतलब ठोस, द्रव और गैस के अलावा कुछ अन्य विशेष परिस्थिति में पाए जाने वाले द्रव्य की अवस्थाएं, प्लाज्मा हो गया और बोस आइंस्टीन संघनन हो गया और फर्मी आनंद संघनन हो गया, तो इतने भी होते हैं। तो इसमें सबसे पहले समझेंगे हम लोग प्लाज्मा। देखिए फ्रेंड, जो प्लाज्मा होता है वो द्रव की चौथी अवस्था मानी जाती है। जो प्लाज्मा होती है वो द्रव्य की चौथी अवस्था मानी जाती है। जो प्लाज्मा होती है यह अति उच्च ताप पे, कन्फ्यूज मत होइएगा फ्रेंड्स, एग्जाम में अक्सर देखने को मिल जाएगा आपको, जो प्लाज्मा अति उच्च ताप पे प्राप्त होती है। उसका जो मेन, इसके जो वैज्ञानिक खोज किए थे वो इरविन लैंगमूर थे। तो अच्छे से इसको देख लीजिए, जो प्लाज्मा को द्रव्य की चौथी अवस्था कहते हैं और यह अति उच्च ताप पे प्राप्त होती है, और इसके जो खोजकर्ता वैज्ञानिक थे इरविन लैंगमूर थे। और अब समझेंगे बोस आइंस्टीन संघनन। तो देखिए, बोस आइंस्टीन संघनन को द्रव्य की पांचवी अवस्था कहते हैं। चौथी अवस्था प्लाज्मा थी और पांचवी बोस आइंस्टीन संघनन।
तो देखिए बोस आइंस्टीन संघनन जो होता है यह निम्न ताप पे प्राप्त होती है। कंफ्यूज मत होएगा फ्रेंड्स, जो प्लाज्मा थी वो अति उच्च ताप पे प्राप्त हो रही थी और जो बोस आइंस्टीन संघनन है वह निम्न ताप पे प्राप्त होती है।